Hello and welcome to the last video of logistic regression. इस वीडियो के अंदर हम जो विजुअलाइजेशन का कोड है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ये कोड का एक स्निपेट है जो कि पहली चंद लाइंस हैं कोड की. इन लाइंस के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरीज हैं. matplotlib.colors उसके अंदर से हमने लिस्टेड कलर मैप जो है वो इम्पोर्ट किया है इस क्लास को, और फिर इसकी मदद से हमने ये विजुलाइजेशन ड्रॉ की है रेड और ग्रीन दो हिस्सों में जो डिमार्केशन हमने की है. जो लाइन नंबर 37 है इसके अंदर एक्स सेट और वाई सेट, ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं. एक्चुअली एक्स सेट और वाई सेट की जगह हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने एक्स सेट और वाई सेट इसलिए लिया के हम दो ग्राफ्स आपने देखा हमने ड्रॉ किए थे, एक ट्रेनिंग सेट के लिए और एक टेस्ट सेट के लिए. तो एक्स सेट और वाई सेट को जब हमने रखा तो इन्हीं वेरिएबल्स को हमने दीगर जो हमारी लाइंस हैं कोड की उनमें एक्स सेट और वाई सेट को इस्तेमाल किया. और जब हम टेस्ट सेट के रिजल्ट्स को प्लॉट करेंगे तो फिर यहाँ पर हम एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट से एक्स सेट और वाई सेट को रिप्लेस कर देंगे. तो इसका मतलब है कि जो असाइनमेंट है यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की इस वक्त एक्स सेट वाई सेट पे हो रही है, और जब आप टेस्ट सेट को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आप एक्स सेट वाई कॉमा वाई सेट इज इक्वल टू एक्स अंडर स्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडर स्कोर टेस्ट लिख देंगे, तो बाकी लाइनें आपको चेंज नहीं करनी पड़ेंगी. तो आपका कोड जो है वो उसकी रीयूजबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आसान हो जाएगी, काइंड ऑफ रीफैक्टर्ड कोड जिसे आप कह सकते हैं आसान जबान में या टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको रीफैक्टर्ड कोड कह सकते हैं कि हमने ये दो एडिशनल वेरिएबल्स इसलिए ले लिए ताकि हमारी कोड की जो रीयूजबिलिटी है वो बढ़ जाए और आसान हो जाए. उसके बाद जो हमारा 38 से लेके 43 तक जो हमारी लाइंस ऑफ कोड हैं ये क्या कर रही हैं, ये कुछ इस तरह से कर रही हैं कि हमारे पास जो एक्स सेट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मिनिमम से माइनस वन और मैक्सिमम से प्लस वन करके हमने एक मार्जिन कैलकुलेट कर लिया है जो कि हमारे पास है. आप देख रहे हैं कि माइनस टू से कुछ पीछे और थ्री से कुछ ज़्यादा ये ग्राफ दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने जब डाटा की वैल्यूज़ को हमने स्केल किया था तो उस वक्त ये माइनस टू पॉइंट समथिंग से लेके प्लस टू पॉइंट समथिंग तक ये वैल्यूज हमें नज़र आ रही थी. तो उस सूरत में हम इस चीज़ को हमने ग्राफ को रीजनेबली प्लॉट करने में कि बिल्कुल कॉर्नर पे सारे पॉइंट्स ना नज़र आएँ बल्कि थोड़ा सा मार्जिन जो है वो हमारे एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा हो डाटा को प्रजेंट करते वक्त, और इस चीज़ को हमने 0.01 के स्टेप से प्लॉट करना शुरू किया. तो ये जो 0.01 के स्टेप से हमने प्लॉट किया है और क्लासिफायर के प्रिडिक्ट मेथड के थ्रू हमने इस सारी चीज़ को सारे के सारे ग्राफ को प्लॉट करना शुरू किया है, और उसके अंदर हमने जो ज़ीरोज़ हैं उनको रेड रीजन से प्लॉट करने की कोशिश की और ग्रीन को जो वंस हैं उनको ग्रीन रीजन से प्लॉट करने की कोशिश की. और इसमें जो 0.01 की जो हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ की है ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअली इस ग्राफ को बहुत ज़्यादा डेंस बना रही है. अगर हम 0.05 डिस्क्रिप्शन करते हैं तो फिर ये स्पार्स सा ग्राफ होता और ये कलर की डेंसिटी जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है बहुत अच्छी ये नज़र ना आ रही होती. तो मैंने सिर्फ इतने पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके जब आप ग्राफ को शो करेंगे तो उसमें ये दो रीजन्स ही हमें नज़र आ रहे हैं. तो जो मॉडल ने जो कुछ ट्रेनिंग ली उस ट्रेनिंग के मुताबिक हमने 0.01 की डिस्क्रिप्शन से एक्स की मिनिमम माइनस वन से मैक्स प्लस वन और वाई वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने यही कुछ किया, और उसको हमने प्लॉट किया है इस ग्राफ के ऊपर, और उस ग्राफ को हम की मदद से हमारा ये जो रीजन है रेड और ग्रीन ये इन लाइन्स ऑफ कोड की मदद से प्लॉट होके हमें नज़र आ गई. जो नेक्स्ट लाइन्स हैं 44 से लेके 46 तक, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारे जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ट्रेनिंग सेट में मौजूद थे वो ट्रेनिंग सेट के डाटा सेट्स के जो प्लॉट्स हैं उनको हमने एन्यूमरेट किया है, और उनको एन्यूमरेट करने के बाद उनके रीजन जिस भी रीजन में उन्होंने प्लॉट होना है वो हुए हैं, और जहाँ पे कि परचेज नहीं हुई वो रेड में है और जहाँ परचेज हुई है वो ग्रीन में
प्लॉट हो रहे हैं। तो ये हमारे एक्चुअल जो ट्रेनिंग सेट के अंदर जो डाटा था वो प्लॉट हो रहा है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डाटा पॉइंट्स हैं जो कि रेड हैं और वो ग्रीन रीजन में है एंड वाइस वर्सा। तो ऑब्वियसली जो हमारा मॉडल होता है उसने एक किसी एक जगह पे बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है और वो बाउंड्री जो भी उसे ऑप्टिमल जगह लग रही होती है जहाँ कम से कम एरर्स आ रहे होते हैं वो उस जगह पे मॉडल अपनी बाउंड्री को डिफाइन करने की कोशिश करता है। बहरहाल इन तीन लाइनों में जो काम हो रहा है वो ये है कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग सेट के अंदर वो स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में ड्रॉ हो रहे हैं ग्राफ के ऊपर। और फिर आखिरी जो हमारी चंद लाइनें हैं वो प्लॉट का टाइटल, एक्स का लेबल, वाई का लेबल, जो लेजेंड है जीरो रेड हैं और वन वाले जो हैं वो ग्रीन हैं, जो हमारे डॉट्स हैं, लास्ट लाइन जो है वो प्लॉट डॉट शो, यानी कि इस प्लॉट को शो कर दें, इस बारे में ये लास्ट लाइन है। ये पूरी जो लाइंस हैं 36 से लेके 51 तक, ये वो लाइंस हैं जिनकी मदद से हमने ये सारे की सारी प्लॉटिंग की है। अब जबकि हम टेस्ट सेट के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे तो इस 37 नंबर लाइन में हमने सिर्फ एक चेंज करनी है और वो है x_set, y_set = x_test, y_test। और हम इस सारे कोड को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और ये ट्रेनिंग सेट की जगह हम टेस्ट सेट लिख देंगे और जो जो सारा कुछ है वो एज इट इज़ प्लॉट हो जाएगा और उस केस में हमारे पास टेस्ट सेट का जो डेटा पॉइंट्स हैं वो प्लॉट हो जाएंगे इसी रीजन के ऊपर। इस स्लाइड के अंदर मैंने जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया उस सारी चीज़ को मैंने टेक्स्चुअल फॉर्मेट में लिख दिया है ताकि आपके पास एक रेफरेंस रहे। जो भी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी लाइन सारी की सारी जो हमारी लाइंस हैं जो डिफरेंट पोर्शंस मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विजुलाइजेशन के अंदर, उन जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया है उस सारे को मैंने टेक्स्चुअल फॉर्मेट में आपके लिए लिख दिया है। ये रेफरेंस के लिए ज़रा रिलेटिवली फॉर्मल तरीके से उसे राइट डाउन भी कर दिया है ताकि आप में से जो मोटिवेटेड सोल्स इसको समझना चाहते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ लें। इन द एंड अगर ये कोड आपको समझ नहीं भी आता फॉर द टाइम बीइंग तो ये कोई इतने परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोड एनीवे आपके पास है और इस कोड को इस्तेमाल करना आपको बता दिया गया है कि आपने कैसे करना है। तो आप इसे एज इट इज़ लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विजुलाइजेशन के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप इस कोड को बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। और अब हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो हमारे लेक्चर्स हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स इसको कंक्लूड करते हैं और अब हम अपने दीगर क्लासिफिकेशन मॉडल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारा पहला क्लासिफिकेशन मॉडल यहाँ कंक्लूड हो रहा है और आई होप कि आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आपसे मिलते हैं अगले मॉडल्स को डिस्कस करते वक्त। अंटिल देन एन्जॉय मशीन लर्निंग।